हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अटेंडेंस शीट के फिर से फाइनल ट्यूटोरियल पर बात कर लेते हैं। मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कि आपको इस अटेंडेंस शीट में ये ध्यान रखना होता है कि या तो आप एक महीने के रजिस्टर बनाएं, 15 दिन का बनाएं, हफ्ते का। मैंने यहाँ आपको एक वीक की एग्ज़ाम, 10 दिन की एग्ज़ाम्पल देकर समझाया था आपको। कहा था कि लिस्ट या सीरियल नंबर आप फर्स्ट कॉलम में, यानी कॉलम कैसे होते हैं और ये कॉलम का शेप कैसा होता है, वर्टिकल। तो A1 में कहा था डाल लीजिए लिस्ट या सीरियल नंबर। B1 में आपका एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय की एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस होती है, या स्टूडेंट नेम है वो डाल लीजिए। और C1 में ऑलवेज अपना फर्स्ट डेट दीजिए और वो हाथ से लिखिए। वैसे तो हम कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली भी इंसर्ट कर सकते हैं, पर हम वो ना करके C1 में डेट डालें और उसको सिलेक्ट करें। कैलेंडर बताने का मैंने दो दो बार कोशिश की आपको और बहुत अच्छे से समझाया भी है। C1 में डालकर डेट उसको सिलेक्ट करें कॉलम को, और कैसे कैलेंडर बनाना है, जहाँ तक की डेट लेनी है उस कॉलम तक की डेट वहाँ पे दे दें। और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि उसी लास्ट डेट, जैसे 15 से 25 का एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया था, उसी के आगे टोटल नंबर ऑफ क्लासेस, टोटल प्रेजेंट्स, टोटल एब्सेंट्स और परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस या परसेंटेज ऑफ टोटल अटेंडेंस, अगर आप चाहें तो लीव, हॉलीडे, ये सारी हेडिंग आप दे दें। और कैसे फॉर्मूले मैंने आपको एक एक सिखाए कि आपको ऐसे निकालना है। तो ये अटेंडेंस शीट पूरी हो गई है लगभग। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं पहला और एक बार सेट कर लेते हैं। तो हम कंट्रोल ए करेंगे इसको, सारा का सारी अटेंडेंस शीट हमारी का जितना मटेरियल अटेंडेंस शीट का, ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास दो तरीके हैं, रैप टेक्स्ट के, यानी कॉलम की वृत्त बढ़ाने के, उसकी चौड़ाई के। और हमारे पास पहला तरीका कौन सा है कि या तो हम एक पर्टिकुलर कॉलम की बढ़ाएं, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कॉलम कैसे सेलेक्ट करते हैं एक्सेल में, कंट्रोल स्पेस से। कैसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस, ये एक कॉलम को सेलेक्ट करने की कमांड है। रो कैसे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट प्लस स्पेस। कैसे, कंट्रोल स्पेस से कॉलम, रो का क्या बताया, शिफ्ट प्लस स्पेस। दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट होती है। अब इसको क्या करते हैं, यह सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो, हमने क्या किया, ऑल कर लिया है, यानी कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर लिया है। अब हमने अगर किसी एक कॉलम को सेलेक्ट किया होता तो हम वहाँ पे क्या कमांड देते, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू, ऑल्ट एच एक साथ ओ डब्ल्यू, और वहाँ पे जो भी कॉलम का वृत्त होता उसको बैक स्पेस से मिटाते और कॉलम का वृत्त दे सकते थे। पर हमें ये पता नहीं होता कि कितना मतलब वृत्त हमें रखना है, इसकी कितनी चौड़ाई रखनी है, नहीं, क्योंकि हर कॉलम का मान लीजिए। और कैसे पता लगता है कि कॉलम मतलब विजिबल नहीं है, कैसे, क्योंकि वो क्रॉप या ओवरफ्लोइंग बोलता है। ओवरफ्लोइंग यानी डाटा बाहर निकल रहा है, क्रॉप तो यानी छोटा, कटा हुआ है, छोटा है डाटा, उसके अंदर पूरा नहीं आ रहा तब भी बाहर निकल रहा है। तो जब तक अगर हम सेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, साइटेड पर्सन के लिए वो फुल विजिबल नहीं होगा कॉलम, और जब हम उसे सेट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू किया है हम यहाँ पे अपनी मर्जी से, लेकिन हमें क्या पता कितना बड़ा टेक्स्ट में कितना बड़ा वृत्त लगेगा। मान लीजिए मोस्टली जो कॉलम का वृत्त होता है, मैं हमेशा बताती हूँ, 8.3, 8.5, 8.2 ऐसे होता है। तो उसको बैक स्पेस से रिमूव करते हैं एंड में, एंड की प्रेस करके, और फिर आप उसे 11, 12 इंच का उसे बनाते हैं कॉलम को। कभी कभी होता है कि तब भी वो टेक्स्ट जो है प्रॉपर वहाँ पे आया नहीं होता, फिर भी अभी ओवरफ्लोइंग और क्रॉप दिखाता है, तो हमें लगता है कि अभी हमें और इसका जो वृत्त है बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या कमांड बताई, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू। तो इस तरह हमें कंफ्यूजन भी होता है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड होता है हमारा क्या कि
क्या होता है सेकंड मेथड? सेकंड मेथड होता है हमारा कि हम सारे कॉलम्स को एक साथ सेट करें, क्या सारे कॉलम को हम एक साथ सेट करें। तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑल्ट एच डब्ल्यू, यानी ऑल्ट एच करके डब्ल्यू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जितना भी हमारे पास कॉलम्स हैं वो अपना टेक्स्ट ऑटो स्पेस, यानी जितना इसको स्पेस की नीड है वो अपना स्पेस ले लेगा। एक्सेल जितने भी स्पेस की नीड होती है एक्सेल ले लेता है। इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ऑल्ट एच डब्ल्यू कर दें तो यही तरीका आप लोग भी अपनाएं जो मैंने आपको सिखाया है। ये एक मेथड है, इससे हम सारा कुछ सेट कर सकते हैं एक ही बार में कंप्यूटर में। एक चीज़ हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको शीट्स नेविगेशन का मेथड बताया है जिसमें प्रीवियस शीट के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज़ करें आप और कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज़ करें नेक्स्ट शीट के लिए। कंट्रोल प्लस डाउन एरो करें नेक्स्ट शीट के लिए। तो मान लीजिए शीट वन है तो आपको प्रीवियस जाने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते अभी। अगर आप शीट टू पे होंगे तो आप शीट वन के लिए कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज़ करेंगे और अगर शीट वन पे है तो आप नेक्स्ट जाने के लिए टू थ्री कंट्रोल प्लस नेक्स्ट, यानी डाउन एरो कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल डाउन एरो किसके लिए होगा नेक्स्ट, माफ़ कीजिए कंट्रोल पेज डाउन, है ना, मैंने डाउन बोल दिया, कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट शीट के लिए और कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस शीट के लिए। इसको ठीक कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप प्रीवियस शीट के लिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन नेक्स्ट शीट के लिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन जब काम करेगा हमारा, जब हम शीट वन पे होंगे तो हम शीट टू शीट थ्री पे जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस पेज अप कब काम करेगा, जब हम शीट टू पर हैं या शीट थ्री पर हैं। अगर शीट वन पे हैं और कोई कंट्रोल प्लस पेज अप करता है तो फिर वो नहीं, ऐसे नहीं होगा, या फिर वो तब काम करेगा जब आपने तीन शीट के अलावा और शीट्स इंसर्ट कर रखी हों। एक वर्कबुक में मोस्टली तीन शीट्स होती हैं। कितनी शीट्स होती हैं एक वर्कबुक में? थ्री शीट्स होती हैं। 16,384 कॉलम होते हैं, 148,576 रोज़ होती हैं। इतना आपको याद रखना है। हमने डाटा को ऑटो करेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ऑल्ट एच डब्ल्यू कर दिया वहाँ पर। अब अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हम अपने ऑफिस या स्कूल का नाम दें तो फर्स्ट रो जो हमारी हेडिंग वाली रो थी A1 वाली, ए से जहाँ तक भी हमने क्या दी है हेडिंग दी है, तो A1 वाली रो पर आएँ और यहाँ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाएं, शिफ्ट F10 या जो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करते हैं एप्लीकेशन की प्रेस करें, या फिर ये ना करें तो ऑल्ट एच एक साथ IR करें तो वो एक रो इंसर्ट हो जाएगी, हेडिंग वाली जो रो थी वो सेकंड में आ जाएगी, A2 हो जाएगा। अब A1 वाली एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी। इसको C1 में, यहाँ पर आप C1 में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने क्लास या स्कूल या आपके ऑफिस में है तो आपकी कैडर, जो आपकी मतलब जैसे थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जिस ग्रेड के भी एम्प्लॉई होते हैं तो उस ग्रेड का नाम लिखेंगे और वो ग्रेड का नाम लिखिए, और स्कूल में है तो या कॉलेज में तो क्लास का, या कोचिंग में तो क्लास का नाम लिखिए, कोचिंग में तो बैच का नाम लिखिए। लिखा आपने, उसको सेलेक्ट किया कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट करने के बाद, या फिर आप ऐसा करें कंट्रोल शिफ्ट राइटर उस सेलेक्ट कर लें और उसको ऑल्ट एच एम करके मर्जिन सेंटर का ऑप्शन आएगा, ऑल्ट एच एम मर्जिन सेंटर ऑप्शन जैसे ही आएगा एंटर कर दें, फिर वो मर्ज हो गया। उसी के ऊपर एक लाइन और इंसर्ट करें ऑल्ट एच आई आर करके तो फिर एक और रो आ जाएगी ब्लैंक, और ये जो अभी आपने मर्ज किया है ये A2 वाली रो में आ जाएगा और जो हेडिंग वाला हमारा जितना भी कंटेंट था वो A3 वाली रो में आ जाएगा। तो ये सी दोबारा जो रो आई है फर्स्ट, ये A1 B1 C1 ये ब्लैंक हो गया। यहाँ पे मैंने कहा था जैसे एज आई टोल्ड यू कि स्कूल या ऑफिस का नाम लिखिए, तो स्कूल या ऑफिस का नाम लिखें आप, या कंपनी का, मतलब अपनी कंपनी का नाम लिखें या कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखें जिसमें भी आप बना रहे हैं उसको
आप कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट हैंड से राइट एरो प्रेस करें, उस कॉलम को सेलेक्ट करें, ऑल्ट एच एम करें। ऑल्ट एच एम करेंगे ऑप्शन आएगा मार्जिन सेंटर का, वहाँ पे एंटर करें तो आपका ये भी मार्च हो जाएगा। आपको करना क्या है, अब आपको कंट्रोल पी करना है प्रिंट के लिए, लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना है कि प्रिंटर ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। इसकी एक सीडी होगी जिससे वो आपका प्रिंटर ड्राइवर जो है वो आपका इंस्टॉल होगा, और प्रिंटर की केबल होगी वो आपके सिस्टम से कनेक्ट होगी। तो आपको पेज का ऑप्शन आएगा कंट्रोल पी करने के बाद कि किस तरह का पेज चाहते हैं, वो पेज सेलेक्ट कर लें आप अप डाउन एरो से। फिर टैप करेंगे कितनी कॉपी चाहते हैं, आगे से चाहते हैं, पीछे से चाहते हैं, मतलब फ्रंट चाहते हैं, बैक चाहते हैं, ये टैप टैप से ऑप्शन आएंगे, इनको अप डाउन एरो से सेलेक्ट करते जाएं, लास्ट में ओके पे एंटर करें। आपका फाइनली प्रिंट होकर अटेंडेंस रजिस्टर हाथ में आ जाएगा। और अगर आप एक एक का करना चाहते हैं तो आप एक एक साथ दो दो रो को सिलेक्ट करें, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक काम करते जाएं कि आप एक काम ये करते जाएं, जैसे कि आपने मतलब शिफ्ट स्पेस कर करके दो दो रो को सिलेक्ट कर लिया हर बार, तो शिफ्ट स्पेस एक बार किया, एक रो हो गई, ठीक है। फिर शिफ्ट स्पेस दोबारा दो रो को सिलेक्ट कर लिया आपने, दो रो को सिलेक्ट किया, तीन रो को एक एक स्टूडेंट का डाटा सिलेक्ट किया, और आप आराम से अलग अलग पेज पर वो प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक बेहतरीन अटेंडेंस रजिस्टर आपको समझ में आ जाएगा, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, और आपके ये हाथ में आ जाएगा। ये होता है एक परफेक्ट अटेंडेंस रजिस्टर। आई होप कि आज ये आपका फाइनल ट्यूटोरियल था अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में। कल हम कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।